नमस्कार। हेलो किसान दोस्तों, तेज एग्रो चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ पर खेती बाड़ी, पशुपालन, बागवानी से जुड़ी हर वो ताजा अपडेट हम आप तक पहुँचाते हैं। आज हम जिक्र करेंगे किसानों के लिए सरकारी योजना 2022 के बारे में, क्योंकि भारत देश की लगभग 60% से ज़्यादा की आबादी भी कृषि पर आधारित है, और कृषि पर अगर आश्रित है तो इसके साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत करने के लिए सरकार कृषि कार्य में आने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिए, किसानों के हित में किसानों को मुनाफा देने के लिए, उनकी खेती में आय के तौर तरीके बढ़ाने के लिए कई तरह की सरकारी योजनाएं चलाती है। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों में जागरूकता का अभाव कहिए या फिर टेक्निक से दूरी, इन योजनाओं के बारे में किसानों को पता नहीं चल पाता, और बहुत कम या तो अधिकारी लोबी के आसपास रहने वाले किसान या फिर पॉलिटिक्स का दायरा है वो ही इसकी योजनाओं का लाभ उठा पाता है। मगर आज मैं आपको 50 से भी ज़्यादा ऐसी सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाला हूँ, उनके नाम बताने वाला हूँ जहां पर आप आवेदन कर सकते हैं। किसानों के लिए सरकारी योजनाओं की एक सूची है, क्योंकि सरकार द्वारा किसानों के हित में संचालित योजनाओं में खेत से लेकर घर तक की व्यवस्था तक का उद्देश्य होता है। सबसे पहले एक किसान ट्रैक्टर योजना है, किसान मित्र योजना है, कृषि उड़ान योजना है, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, पशुधन बीमा योजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना है, कुसुम सोलर पंप वितरण योजना है, कृषि इनपुट अनुदान योजना है, स्वाम किसान योजना है, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना है, और सॉइल हेल्थ कार्ड योजना है, कृषि यंत्र सब्सिडी योजना है, चारा और चारा विकास योजना है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, परंपरागत जो ट्रेडिशनल खेती है उसके ऊपर कृषि विकास योजना है, आपातकालीन फसली ऋण योजना है, खेत तलाई अनुदान योजना है, सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना है, किसान विकास पत्र है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, डेयरी उद्यमिता विकास योजना है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना है, और NMAS योजना यानी कि राष्ट्रीय स्तर कृषि मिशन योजना है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, किसान सूर्योदय योजना, मुख्यमंत्री किसान सराय योजना, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, और इसके अलावा झटपट बिजली कनेक्शन योजना, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना, कृषि यूपी उपकरण योजना सब्सिडी है, बीज ग्राम योजना है, जैविक खेती योजना है, राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन योजना है, डेयरी उद्यमिता विकास योजना है। तो ये सरकार द्वारा जो सरकारी योजनाएं शुरू करने का उद्देश्य है वो भारत में रहने वाले तमाम किसानों के लिए चलाई जाती हैं। सभी किसान भाइयों को आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है। कुछ किसान अपने खेत में अच्छी पैदावार उत्पादन ले पाते, कुछ नहीं ले पाते, अपने परिवार का भरण पोषण है वो करना कठिन हो जाता है। ऐसे में इन योजनाओं का संचालन करना शुरू किया है सरकार ने, और ये विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं शुरू की जाती है उनमें से कुछ और भी योजनाएं, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना की बात करेंगे, जिसमें 6,000 रुपये प्रतिवर्ष 3 किस्तों में किसान को प्राप्त होते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी, ये भी 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई है। इसमें भी एक फसल का बीमा योजना, जो कि बुआई से पहले और फसल की कटाई के बाद तक के लिए बीमा सुरक्षा मिलता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, ये भी 1998 में भारत सरकार द्वारा चलाई गई थी, जिसको KCC के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, ये भी 60 वर्ष की आयु पूरे आने वाले किसान को 3,000 रुपये पेंशन दी जाती है। 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक प्रतिमाह 60 वर्ष की आयु तक जमा करवाना होता है इसमें योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए। स्वयं किसान योजना है, ये भी देश में बहुत से ऐसे किसान हैं जो कृषि कार्य में आज भी पुराने यंत्रों का उपयोग करते हैं, धन के अभाव में नए यंत्र नहीं खरीद पाते, तो उसके लिए है। पीएम कुसुम योजना में बिजली की समस्या अभी भी गंभीर बनी उसको लेकर है, और डेयरी उद्यमिता विकास योजना भी एक सरकार की है, पशुधन बीमा योजना है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन योजना है, और सॉइल हेल्थ कार्ड योजना है, जैविक खेती योजना है। तो ये तमाम जो योजनाएं सरकार की है, जो कि 50 से भी ज़्यादा है, वो हमने आप तक बताने की कोशिश, पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि आप इनका लाभ है वो
उठा सकते हैं। आप अपने नज़दीकी कृषि कार्यालय पर या फिर आप डीसी दफ्तर पर या बागवानी उद्यान उद्योग में जाकर आप अपना पूरा वहाँ पर डेटा ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।